Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. Once again I welcome all of you back to the session of rapid revision of Materia Medica, जिसमें हम discuss करने वाले हैं F alphabet से जितनी भी remedy Ellen की notes में दी हुई हैं वो सारी remedies. And also friends, आपने previous poll में ये decide किया है कि मैं F group discuss करूं. Next आप कौन सा alphabet की remedy discuss करना चाहते हो, आप Inside Organon के community tab में जाके जल्दी से vote कर दीजिए ताकि मैं next group वो upload कर पाऊं. ठीक है, चलिए start करते हैं इसी के साथ हमारी first remedy, that is ferrum metallicum. तो ferrum metallicum जो है ये iron से बनाई जाती है, and iron that means the element iron. ये रेमेडी का जो पर्सन होता है, बेसिकली इसके सिम्टम्स जो है वो ब्लड से ज्यादा रिलेटेड है, बिकॉज दिस रेमेडी हैज हीमरेजिक डायथेसिस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पर्सन जो होता है वो सैंग्वीन टेम्परामेंट का होता है, एंड क्वारलसम होता है, बहुत झगड़ालू होता है, और लीस्ट कॉन्ट्रडिक्शन से इसको गुस्सा आ जाता है. मतलब थोड़ी सी भी इसके जिंदगी में ऊंचे नीचे कुछ हो जाए तो ये तुरंत एंग्री हो जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, दैट अ स्लाइट नॉइजेस लाइक क्रैकलिंग ऑफ पेपर ड्राइज इनटू डिस्पेयर. इसका जो पर्सन होता है ना, उसको थोड़ी सी भी आवाज, जैसे कोई चल रहा है या फिर जो क्रैकलिंग होती है ना पेपर की, अगर आप सारा पेपर एक साथ मोड़ दो तो उससे भी इसको चिड़ हो जाती है. ये चीज, ये सिम्टम्स ना आपको टैरेंटुला में मिलेगा और एसआरएम में मिलेगा. एसआरएम में तो ये लाइन लिखी हुई है रिगार्डिंग ओवर सेंसिटिवनेस ऑफ साउंड्स, ये टैरेंटुला में मेंशन है. एसआरएम यूरोपियम में आपको एग्जैक्टली ऐसी ही दिखने वाली लाइन मिलेगी. नाउ वुमेन जो होती है वो वीक होती है, फायरी रेड फेस है, पेलनेस आपको मिलेगी. इसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स बिकम रेड एंड फ्लश्ड ऑन लीस्ट पेन. ब्लशिंग होती है इसको, ठीक है, ब्लशिंग. एंड इसके पर्सन में नाउ ब्लशिंग हैज बीन मेंशन्ड इन थ्री रेमिडीज, ओके, अमाइलम नाइट्रोसम, कोका एंड फेरम मेटालिकम. ये क्वेश्चन पूछा गया है, सो प्लीज कीप दिस इन माइंड. नाउ फर्दर मूव ऑन करें तो रेड पार्ट्स बिकम वाइट, इंपॉर्टेंट सिम्टम है. इसके अलावा एक ये सिम्टम जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इसको वर्टाइगो की प्रॉब्लम होती है, और ये जब भी पानी पे चलने की कोशिश करेगा या बहते हुए पानी को देखता है तो उसको चक्कर आता है, इवन वेन जब ये ब्रिज को क्रॉस करेगा तो भी. नाउ ये तो पानी से वो दिक्कत वाली प्रॉब्लम हो गई, पानी से डर लगता है लिसन के पेशेंट को, LYS विच इज मेंशनड हियर. अगर वर्टाइगो आ रहा है ऑन डिसेंडिंग, ये चीज बोराक्स में मेंशनड है, सैनिक्यूला में मेंशनड है, फेरम मेटालिकम में भी मेंशनड है, डिसेंडिंग डाउनवर्ड मोशन से अगर दिक्कत है तो. इसमें देखिए, एक अनीमिक पर्सन है, अगर उसको सर दर्द होगा तो वो कैसा होगा, हैमरिंग होगा, पल्सेटिंग, बीटिंग टाइप का पेन होगा, ना कुछ खाना पीना, सब कुछ इसका पेशेंट छोड़ देता है. नाउ दिस लाइन फॉर टू और थ्री डेज और फॉर डेज एवरी टू और थ्री वीक्स, दिस लाइन इज इंपॉर्टेंट. नाउ इसके जो मेंसेस होते हैं, मेंसेस आर टू अर्ली, टू प्रोफ्यूज, टू लॉन्ग लास्टिंग, बिकॉज ऑब्वियसली हीमरेजिक डायथेसिस है तो फ्लो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है, एंड फ्लो पेल, वॉटरी एंड डेबिलिटेटिंग होता है इसका. हीमरेजिक डायथेसिस इज प्रेजेंट ऑब्वियसली, एंड ब्लड इजिली क्वैगुलेट्स. इसमें ना रिगर्जिटेशन हो जाता है फूड का, जो भी खाता है दैट रिगर्जिटेट्स, एंड इसमें खूब सारा खाना खाने की डिजायर होती है. कैनाइन हंगर इज प्रेजेंट, लेकिन विथ एक्सट्रीम डिसलाइक ऑफ ऑल द फूड. इसको बहुत कुछ खाने का तो मन करता है लेकिन ये ज्यादा खा नहीं पाता. देन वॉमिटिंग इमीडिएटली आफ्टर मिड नाइट ऑफ इनजेस्ट एज सून एज इज ईटन. मतलब इसका पर्सन जो होता है ना, एक तो इमीडिएटली आफ्टर मिडनाइट इसको वॉमिटिंग होगी, उसके अलावा इसके पर्सन में जो कुछ भी खाएगा ये जाकर वॉमिट करके आएगा, एंड अब वापस वो बैठ जाएगा खाना खाने के लिए. मतलब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, लीव्स टेबल सडनली विथ वन एफर्ट वॉमिट्स एवरीथिंग ईटन एंड कैन सिट डाउन अगेन एंड ईट, कैन सिट डाउन अगेन एंड ईट. फिर इसको अनडाइजेस्टेड फूड की डायरिया होती है, पेनलेस होती है एंड विद गुड एपिटाइट. डायरिया ऑफ कंजम्पटिव्स अगेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लाइन दैट हैज बीन मेंशनड इन फेरम मेटालिकम, ठीक है. इसमें इंटेस्टाइनल एट होने की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन देखने को मिलता है,
ठीक है, प्रोलैप्सस रेक्टाई इन चिल्ड्रेन, अगर रेक्टम का प्रोलैप्स बच्चे में है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, तो आप फेरम मेटालिकम प्रेस्क्राइब करोगे। इसको बेटर होता है अगर आराम से, जैसे जेठालाल चलते हैं ना धीरे धीरे, वैसे चलने से इसको बेटर फील होता है, लेकिन ये वीकनेस भी फील होने लगती है बिकॉज ऑब्वियसली द पर्सन इज एनीमिक। नाउ कफ ओनली इन डे टाइम। अभी हमने प्रीवियस जो ग्रुप पढ़ा था ई ग्रुप, इन दैट वी हैव डिस्कस्ड यूफ्रेशिया, जिसमें हमने देखा था कफ प्रेजेंट ओनली इन डे टाइम हैज बीन मेंशन इन यूफ्रेशिया, इट हैज बीन मेंशन इन फेरम मेटालिकम, सो दैट्स व्हाट इज मेंशन्ड हियर। देन इसको लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से ड्रॉपसी होती है, अब्यूज ऑफ पिनिन की वजह से, ये चीज सिंकोना और कार्बोवेज में भी मेंशन किया गया है। ठीक है, नाउ फ्रेंड्स, मैंने एक बहुत रेयर क्वेश्चन देखा है इसका। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चाइना है ना, चाइना मेडिसिन, आप लोगों ने सुना होगा दैट चाइना में भी ये जो एग्जैक्ट लाइन लिखी हुई है ना, देखिए, लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स की वजह से प्रॉब्लम होना, एंड ब्लड इज ऑल्सो अ वाइटल फ्लूइड, सो उसकी कमी की वजह से अगर दिक्कत आ रही है, सो ऑब्वियसली दैट विल काउंट इन टू द सेम कैटेगरी, एंड विच इज वाई फेरम मेटालिकम जो है वो चाइना का वेजिटेबल, सॉरी, चाइना जो है वो फेरम मेटालिकम का वेजिटेबल एनालॉग है। उसके अलावा एक जो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि फेरम मेटालिकम को कभी भी हम सिफिलिस के साथ नहीं देते हैं, सिफिलिस की कंडीशन में नहीं, तो वो एग्रेवेट कर देती है सिम्टम को। सिफिलिटिक पेशेंट को हम कभी भी फेरम मेटालिकम प्रिस्क्राइब नहीं करते, प्लीज कीप दिस इन माइंड। आई हैव सीन दिस क्वेश्चन इन द पीजी एंट्रेंस की जो एमसीक्यू वाली बुक है उसमें भी। सो या देन एग्रेवेशन इसको होता है नाइट एंड एट रेस्ट में, एंड वॉकिंग स्लोली अबाउट से एमिलियोरेशन है। नाउ फ्रेंड्स, वी आर डन विद द फर्स्ट रेमेडी फॉर द डे। नाउ आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज लाइक दिस वीडियो एटलीस्ट, विच गिव्स मी अ बिट ऑफ सपोर्ट, एंड मेरे को थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाता है, अप्रिसिएशन मिलता है फॉर मी टू पोस्ट अदर वीडियोज फॉर यू ऑल। नाउ नेक्स्ट रेमेडी ऑफ एफ दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज फ्लोरिक एसिड। फ्लोरिक एसिड जो रेमेडी है, HF हाइड्रोफ्लोरिक एसिड से बनाई जाती है, और ये है सिफिलिटिक मेडिसिन। ठीक है, ओल्ड एज के लोगों के लिए सिफिलिटिक मर्क्यूरियल डिस्क्रेजिया, या फिर यंग पर्सन जो ओल्ड की तरह दिखते हैं, हम उनको दे सकते हैं। पर्सन में ये लाइन पूछा गया है, इंक्रीज एबिलिटी टू एक्सरसाइज विदाउट डेंजर, ये दो रेमेडी में है, फ्लोरिक एसिड एंड कोका, तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। देन ओल्ड सिकाट्रिसेस बिकम रेड एंड अल्सर्स ओपन अगेन, ये चीज कॉस्टिकम में है, ग्रेफाइटिस में है, एंड हियर ऑल्सो इट हैज बीन मेंशनड। देन देखिए, हर जगह यार डिस्ट्रक्शन है, वेरिकोज वेन्स हैं, ठीक है, अल्सर्स हैं। उसके अलावा वुमेन, या फिर ऐसी वुमेन जिन्होंने बहुत सारा, मतलब मल्टीपैरिटी का केस है, उसमें अगर वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम है तो दे सकते हैं। केरीज, नेक्रोसिस की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, अब्यूज ऑफ मर्करी की वजह से आप दे सकते हैं। जो नेवस इज फ्लैट ऑफ चिल्ड्रेन, ओके, एंड यहाँ पर कैपिलरी एन्यूरिज्म भी देखने को मिलता है, यहाँ पे अल्सर्स होंगे, और अल्सर्स के साथ साथ डेक्यूबिटस की कंडीशन भी मिलती है। नाउ इसमें जो पर्सन होता है ना, इसमें टीथ में भी केरीज एंड एक्सोस्टोसिस ऑफ द बोन कैन ऑल्सो बी ऑब्जर्व हियर, ओके। दिस रेमेडी इज कॉम्प्लीमेंट्री टू कोका एंड साइलिशिया, एंड आप इसको आर्सेनिक के बाद दे सकते हो एसाइटिस में, एंड काली काप के बाद दे सकते हो हिप की डिजीजेस में, ठीक है। नाउ फर्दर, स्टाफ के बाद दे सकते हो सेंसिटिव टीथ के लिए, कॉफिया एंड स्टाफ के बाद, देन फॉस्फोरिक एसिड के साथ दे सकते हो इन डायबिटीज, ओके, एंड आफ्टर सिम्फाइटम इन बोन डिजीजेस, एंड आफ्टर स्पंजिया इन गोइटर। सो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन, बिकॉज नेक्स्ट रेमेडी आ जाती है जी ग्रुप की, एंड दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो, एंड ये ग्रुप स्टडीज आप इंजॉय कर रहे हो। नाउ दैट यू आर डन वॉचिंग दिस वीडियो, आई वॉन्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज जल्दी से जाओ कम्युनिटी पोस्ट में, नेक्स्ट ग्रुप के लिए वोट करो, एंड आई विल ट्राई टू अपलोड दैट ग्रुप वेरी वेरी सून, विद इन 1 or 2 days। So yeah, that's it about today's session. अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और बैचमेट्स के साथ शेयर करना प्लीज 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 बिल्कुल मत भूलेगा। एंड ऑल्सो आई एम वेरी श्योर दैट आप इनसाइड ऑर्गेनॉन की फैमिली का पार्ट बन चुके हो गए, लेकिन अगर आपने ऐसा नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।